डायबिटीज़ के जो मधुमेह के लोग हैं अक्सर सिर्फ शुगर चेक करा के आ जाते हैं, जो कि काफ़ी नहीं होता। डायबिटीज़ के असर बहुत सारे ऑर्गन्स, वाइटल ऑर्गन्स पे होता है, इसलिए हमें टाइम टू टाइम हर ऑर्गन का चेकअप भी करना होता है। पहले तो चेकिंग होती है कि खाली पेट जो फास्टिंग ब्लड शुगर है वो कितना है। दूसरा पैरामीटर जो हम देखते हैं कि खाने के बाद शुगर कितना बढ़ रहा है, जिसे कि हम PPG या पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर कह सकते हैं। इसके अलावा एक 3 महीने की एवरेज शुगर का टेस्ट होता है, HbA1c। सो ये तो हो गए शुगर के टेस्ट जो पीरियोडिकली होने हैं, हर कुछ दिन बाद करने पड़ते हैं। इसके अलावा किडनी के, गुर्दे के जो टेस्ट हैं कि क्रिएटिनिन कितना है, गुर्दे से प्रोटीन लीकेज तो नहीं हो रहा, ये भी टाइम टू टाइम साल में एटलीस्ट 1 से 2 बार करना होता है। इसी तरह आँख की जाँच हर साल कम से कम 1 बार करनी चाहिए। और कोलेस्ट्रॉल पैनल, जो लिपिड प्रोफाइल कहते हैं हम जिसे, वो भी कम से कम साल में 1 से 2 बार करते रहना चाहिए। हर विजिट में हमें पेशेंट का एक तो ब्लड प्रेशर, उसका वजन कितना है, बढ़ रहा है, घट रहा है, ये चीज़ें भी देखनी होती हैं। आजकल लिवर फंक्शंस भी हमें रेगुलरली करने पड़ते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ के मरीजों में अक्सर फैटी लिवर डिजीज़ भी होने लग जाती है और वो भी एक कॉम्प्लिकेशन के रूप में नज़र आने लगा है। तो ये सब चीज़ें टाइम टू टाइम चेकअप करना है, ना कि केवल शुगर पे फोकस करना है।